मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात रेडियो कार्यक्रम के जरिए हमारे देश में एक नई सामाजिक क्रांति को जन्म दिया है। आज के समय एडिशन पर मैं 3 अक्टूबर 2014 के उस परिदृश्य को याद कर सकता हूँ जब प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत करी थी। मुझे लगता है कि पूरे देश में लोगों ने संवाद को, कम्युनिकेशन को लगभग भुला दिया था कि इसका माध्यम रेडियो कभी हुआ करता था। फिर से ढूंढ करके आज हर परिवार में, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में, मन की बात रेडियो पर एक दूसरे के, रेडियो और मन की बात एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह है, 140 करोड़ देशवासियों की आवाज़ है इसके पीछे। ये उनकी आकांक्षा, उनके सपने, उनकी चुनौतियाँ, उनकी सफलता, उनकी दिनचर्या, उनके विशेष प्रयोजनों की एक नई शुरुआत है, उनके नवजीवन का अंतर्नाद है। आपने अभी स्वतः सुना है, अनुभव किया है, अनेक ऐसे लोग जो हमारे बगल में रहते हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं और हम खुद नहीं जानते। ऐसे अनेक देश के हीरो को पूरी देश ने पहचाना, बल्कि देश नहीं बाहर के लोगों ने भी पहचाना है। मार्शल मैकलुहान का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, मीडियम इज़ द मैसेज, और प्रधानमंत्री जी ने रेडियो के उस माध्यम को चुना है जिसे भारतवासी अपने दिल के सबसे करीब पाता है, जिसमें परिवार की भावनाएं कभी जुड़ा हुआ हम मानते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसी भावना के तहत सभी देशवासियों के मन की बात को केंद्र में रखकर संवाद की एक ऐसी परिपाटी शुरू की है जिसे दुनिया के बड़े बड़े कम्युनिकेशन एक्सपर्ट आज तक के इतिहास में सबसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन अभियान मानते हैं। अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि बापू से बड़ा कम्युनिकेटर मैं दुनिया में किसी को नहीं मानता। मैं समझ नहीं कि मैं बापू के बारे में विशेष बात करूं, लेकिन ये सच है कि संवाद ही लोकतंत्र की आत्मा होती है। संवाद सामाजिक चेतना की जीवंत धारा भी होती है। एक स्टेट्समैन और आम नागरिक के बीच फर्क यही है कि वो लोगों से, सामान्य जन से संवाद स्थापित करता है, जिससे लोकतंत्र की नींव भी मजबूत होती है और शासन में नागरिकों की भागीदारी भी सुनिश्चित होती है। शासन की नीतियों में आम आदमी की आवाज़ भी मुखर हो सकती है, और मैं मानता हूं कि मन की बात के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने टू वे कम्युनिकेशन स्थापित किया और एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिससे समाज में हो रहे बदलाव को देश जान सके, दुनिया जान सके, समाज के सामान्य आदमी की आकांक्षाओं के मुताबिक सरकार नीतियों में परिवर्तन कर सके, और अब उसका असर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगा है। आज 100 एपिसोड पूरे हुए हैं, ये कहना ज़्यादा उचित होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने सामाजिक एवं व्यक्तिगत व्यवहारिक परिवर्तन को एक नई दिशा और एक नया आयाम प्रदान किया है। साथियों, विश्व के इतिहास में उंगलियों पर गिने जाने वाले राजनीतिज्ञ हैं जिन्हें सबसे इफेक्टिव कम्युनिकेटर माना गया है। उस लिस्ट में मैं कह सकता हूं कि आज हमारे प्रधानमंत्री का नाम सबसे ऊपर है, जिन्होंने अपनी विशिष्ट शैली द्वारा कथनी और करनी को जोड़ने का, एक करने का काम किया है। उन्होंने नागरिकों को लोकतंत्र का सच्चा स्वामी मानते हुए वास्तव में प्रधान सेवक की तरह विकासशील समाज, आकांक्षी समाज की मूलभूत आवश्यकताओं को केंद्र में रखा है और ऐसे व्यवहारिक परिवर्तन पर बल दिया है जो उनके सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध। मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा, युवाओं, महिलाओं, किसानों, अध्यापकों, समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को एक सूत्र में पिरोकर राष्ट्र सर्वोपरि की भावना ये मजबूत की है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम के हर एपिसोड में वैसे ही बीज बोए हैं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था, सामाजिक परिवर्तन को
अंकुरित करने का अवसर प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री जी मौलिक विचारों के जनक हैं और मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से उनके दिखाए गए आदर्श राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र प्रगति की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। मैं समझता हूँ अमृतकाल में मन की बात कार्यक्रम ने समाज में जागरूक चित्त की नई व्यवस्था सुनिश्चित की है और एक जागरूक समाज नया इतिहास रचने में सदैव सक्षम होता है। हम सबको मिलकर उसी भावना के साथ भारत को भौतिक एवं आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाना है। आप सभी आज के इस कार्यक्रम में साक्षी बने और मुझे मेहमान नवाजी का अवसर दिया, मैं आप सबके प्रति कृतज्ञ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।